बिग बॉस वाला फीलिंग आ रहा है इतने बड़े चेयर पे बैठ के. वेलकम टू अ स्टेशनरी हॉल आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो लेट्स स्टार्ट इट राइट अवे. द रीजन आई हैव चोजन ऑफिस स्टेशनरी इज दैट सबका वर्क फ्रॉम होम चालू है. सो आई जस्ट वांटेड टू शो सम ऑफिस स्टेशनरी फर्स्ट एंड देन वी कुड डू अ यूनिकॉर्न स्टेशनरी पार्ट टू मे बी. So let's start with today's haul. The first thing that I found was super interesting, which is this magnetic planner. I'm missing my almari the most right now because currently मैं सिर्फ मेरे फ्रिज पे लगा सकती हूँ. But अगर आपके पास वो अलमारी है, you can have such a cute planner on your wardrobe. Oh, we close. Promise you won't let go. Nothing without you. एक तो इसका कलर स्कीम कितना प्यारा है एंड देन इस पे लिखने का इनफ जगह है. काफी बार प्लानर्स इतने चिट्टू चिट्टू से होते हैं कि उसमें लिखने को नहीं जानता है, बट दिस हैज गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू राइट. नॉट ओनली दैट, एक डस्टर के साथ आया है एंड अलग अलग कलर के मार्कर्स. इट्स अमेजिंग. सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो टेंशन मत लेना, यू कैन गेट इट. बट इफ यू वॉन्ट टू गेट इट बिफोर इट गोज आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ओनली बिकॉज सो मेनी ऑफ अ फैमिली मेंबर्स शॉप फॉर दिस की थिंग्स गेट सोल्ड आउट वेरी फास्ट. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू कैन बाय व्हाट इज शोन इन द वीडियोज, यू विल हैव टू लाइक वॉच इट फटाफट. तो इसलिए सब्सक्राइब एट बेल आइकन. ओके, सो आइटम नंबर टू है ये kind of like a planner but not exactly a planner. You got a sneak peek because ye niche bahar aa raha hai. So this is the inside, ye nikal gaya hai. Really sad but main isko chipka dungi glue gun se. This is a sticky note cum planner set where ye yahan pe na ek mini writing pad jaisa hai. So you can tear off these sheets as and when you want. Ye main side par rakhi. It comes with a pen also, with a pen holder, so you're sorted. ऐसे यहाँ पे खोलोगे तो एज अ क्लिप खुलता है, जस्ट टेक्स मी बैक टू दोस एग्जाम पैड्स एंड देन ही पूरा शीट बाहर आता है. तो आप इसमें से लिख लिख के फाड़ भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो एंड एक बार ये पेपर खत्म हो जाए खुद के पेपर्स लगा सकते हैं. सो इट्स डेफिनेटली रीयूजेबल. आई थॉट दिस कैन बी रियली हेल्पफुल बिकॉज लॉकडाउन में हम सबका शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट इज़ गुड टू हैव अ प्लेस टू राइट थिंग्स डाउन. तो ये अच्छा लगा मेरे को. ओके, द थर्ड थिंग इज वेरी बेसिक बट काफ़ी बार अपना सामान खराब हो जाता है. सो दिस इज अ स्टेपलर एंड सेलो टेप एंड वो सब चीज़ों. चेक दिस. Like is the way it has come. Box भी काफी अच्छे कंडीशन में नहीं है. Actually, I was gonna suggest के अभी festive season आ रहा है, तो अगर आपको affordable gift चाहिए तो this one was around 250 rupees, which is quite affordable. But अगर ऐसा condition है तो किसी को कैसे gift कर सकते हैं. तो unfortunately this should have been packaged better. Coming to the insides, I appreciate the stapler pin का डब्बा a lot, क्योंकि वो जो कार्डबोर्ड वाले डब्बे आते हैं ना वो टिकते नहीं है. तो सो मेनी टाइम्स स्टेपलर पिन्स छूट जाते हैं पेंसिल पाउच के अंदर एंड पोक भी होते हैं. तो दिस डब्बा इज ग्रेट. मिनी स्टेपलर काफी अच्छा था. इट्स गुड स्टोरेज सोल्यूशन, कैरी कर सकते हैं अभी. पंचिंग मशीन, सेलो टेप मशीन एंड आई थिंक ये स्टेपल पिन रिमूवर है. तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है बिकॉज कैंगरू तो मैं बचपन से कैंगरू ही यूज करते हुए आई हूँ. बट बस आई डोंट नो व्हाई द कंडीशन वॉज लाइक दिस. ओके, द नेक्स्ट, वेट फॉर द लास्ट आइटम because it's the best item yet the worst item of the haul. Okay, so the next item is this pencil stand, pencil pen anything stand, and bas usi mein dalne ke liye bought these paper clips also. 80 rupees 6 chote paper clips ke liye yaar. I was so disappointed. This is so small, like look at my baby finger, it's smaller than that. But I knew right away that I will be with you until I stop breathing. एक्सपेंसिव है. कुछ कुछ सामान ऑनलाइन बड़ा एक्सपेंसिव आता है, कुछ कुछ सामान ऑनलाइन बड़ा सस्ता आता है. तो दीज पेपर क्लिप्स डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड लोकल स्टोर से लेने को. कमिंग टू द स्टैंड, बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स लेयर्ड. लेयर्ड स्टैंड यूजली डिफिकल्ट होता है
एंड लेवर स्टैंड यूजली मेकअप ब्रशेज के लिए मिलते हैं एंड एनी थिंग रिलेटेड टू मेकअप इज एक्सपेंसिव. अगर मेकअप का पाउच और सारा पाउच हो तो मेकअप का पाउच विल बी डबल मोर एक्सपेंसिव. तो इफ़ यू नॉट इन टू स्टेशनरी दैट मच यू कैन यूज दिस फॉर योर मेकअप और एनी थिंग एल्स ऑल्सो. तो दिस स्टैंड आई क्वाइट लाइक. And to put in this stand, if you need to build a whole set, so we have these kits. Again, I'm confused about this thoda sa ke isme crayons and erasers hai, isme nahi hai. And ye packet aise hi aaya hai, maine toda nahi hai. So what's going on? Why is there less things in my order and why has it come like this? Coming to this one, jo pura lag raha hai meko. In 99 rupees, we get 10 pencils ka pack. A scale, scale mein 5 rupees aata hai. Scales are good because kafi baar scale mein agar mit jata hai na numbers, so it becomes difficult honestly for me to use. So it's good to replace scales every few months. Then we have a sharpener, but ispe bhi dhool jam gaya yaar. Next, what do we have? 5 erasers ka pack. This eraser ka pack is for 10 rupees. I am so happy to see this eraser because when I was in school, tab maine erasers bade use kiye. Wow, the packaging! I can't believe. Can you see? ये ऐसे खुला हुआ आया है. Crayons are all over my room. Thank God, सोफे पे दाग नहीं लगे. And then there's 3 sharpeners and 1 big eraser. तो सब मिला के 101 rupees होता है. But they've given 2 rupees का discount in the set and given it for 99 rupees. इस वाले में आधे से ज्यादा सामान नहीं है. We've been scammed. Let's just move on to the next item. The next thing I have is this folder. Now, काफी कम paperless हो रहा है, which is great. It's great for the environment also. But if you have to organize your bills or anything, this upgrade of a folder I found is amazing. याद है बचपन वो clip वाले folders आते थे? I mean, मेरे बचपन में I'm kind of old now, 22. But वो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं तो वो क्लिप टूट जाता था मेरा हर बार एंड फिर वो फोल्डर काइंड ऑफ बंद नहीं होता था. तो दिस आई थिंक ज्यादा टिकेगा. इसका जो ब्लैक लुक है ना, यू कैन एक्चुअली टेक इट विथ यू फॉर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. समटाइम्स द फोल्डर्स आर वेरी गॉडी तो यू कैन नॉट कैरी विथ यू, बट दिस वन आई लाइक. इसके वो टिपिकल टैग्स भी आए हैं साथ में, तो आप इस पे सब्जेक्ट वगैरह लिख के डाल सकते हो अंदर. एंड बहुत छोटा सा लोगो है पीछे अमेजोन का. अमेजोन की खुद की ब्रांड का है, कॉल्ड अमेजोन बेसिक्स. दे ऑल्सो मेक हाईलाइटर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आई रियली वांट टू ट्राई. वी नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट आइटम व्हिच आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड फॉर एंड इट इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट. दीज नियॉन पेन्स, दे वर्क अमेजिंग. दे आर सुपर सुपर स्मूथ एंड इट्स टोटली वर्थ द मनी बिकॉज दिस होल सेट वॉज फॉर जस्ट दिस प्राइस. तो वाह. बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हेली व्हाट्स योर कंप्लेन देन. इफ यू फाइंड इट अफोर्डेबल, इफ इट्स वर्किंग वेल, तो व्हाट्स योर कंप्लेन. इट्स मेड इन चाइना एंड आई डिड नॉट सी दैट वाइल ऑर्डरिंग. तो cannot repurchase this and cannot recommend this to you also. If you have an alternative Indian brand which makes these kind of pens, please let me know because these pens work really well, really well. Like for making notes and everything, super. Not just for work from home, it's also for study from home. Like all these things are used for studying as well. So notes making is an art. Like you need to be able to organize the notes properly, to highlight what's important, to segregate color wise, so it's easy for you to refer to it also later. So having colorful pens is a great help. They can act as highlighters also. So definitely let me know for any substitutes for these colorful pens because I love just collecting pens. I love collecting stationery. I don't use it a lot. I am not a crafter. आप काफ़ी बार वंडर करते हो कि हेली व्हाट डू यू डू विद सो मच स्टेशनरी. आई कलेक्ट. लाइक काफ़ी लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक होता है, काफ़ी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, वॉचेस का रहता है, मुझे स्टेशनरी का है.
But this was our stationery haul after a long, long time. Let me know down below what theme do you want to see next. We're already doing unicorn theme. This time I'm doing it from Amazon. So if you like something, you will be able to buy it, providedly it's still in stock. Before that, you have to subscribe so that you are the first one to watch it and you can buy whatever you want. And let me know what other stationery videos you want me to watch. But if you enjoyed this particular video, give it a thumbs up. If you didn't enjoy this video, bindas, give it a thumbs down. But I want an honest opinion. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.